गोविंदर ट्वीट टुडे, मैं जावेद अंसारी अशोक मौर्य के साथ हम मौजूद हैं रीवा की मंडी में। यहाँ पर किसान संगठन के काफी लोग हैं जो यहाँ पर दिल्ली की तर्ज पर, जी हाँ दिल्ली की तर्ज पर एक बार यहाँ पर अनशन में बैठ गए हैं। मैं बताऊँ, मैं जिस परिसर में मौजूद हूँ उसको मंडी कहते हैं। यहाँ पर रीवा की अगर बात की जाए तो रीवा और शहडोल को मिला के 18 मंडियाँ हैं। 18 में 15 मंडियों में कामकाज शून्य है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा था मंडियां बंद नहीं होंगी, कामकाज शून्य है। इसका मतलब आप खुद लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ संगठन के लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। अब आगे क्या बताइए, अब आगे क्या? आगे किसान में जो आंदोलन चल रहा है, ये किसान के विरोध में काले कानून लाए गए हैं जो केंद्र की सरकार के द्वारा, इसका विरोध करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम रीवा में और रीवा संभाग के किसान आंदोलन के जो साथी हैं अपने अपने बैनर के साथ, अपने अपने संगठनों के साथ सामूहिक रूप से ये संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेगा। जब तक दिल्ली का किसान लड़ेगा, दिल्ली में बैठा हुआ हमारा किसान लड़ेगा, उनके साथ लगातार हम लड़ते ही रहेंगे। जब तक चलेगा तब तक चलेगा। जब तक दिल्ली में आंदोलन समाप्त नहीं हो जाएगा, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई को जारी रखेंगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? आप लोग इतने दिनों से बैठे हैं, क्या लगता है आपको सरकार आपकी बातें मानेगी या आप यूं ही बैठे रहेंगे? अब सरकार को क्या लगता है तो हम नहीं कैसे कर सकते, लेकिन हमें लगता है और बताना चाहते हैं कि हम कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, हम अपनी मंजिल पाके रहेंगे। और ये अब आंदोलन केवल भारत का आंदोलन नहीं रहा, पूरी दुनिया देख रही है और हम उसकी कमजोर नस को पकड़ लिया है कि कहाँ से उसके प्राणवायु मिलती है। और प्राणवायु जैसे बंद हुई, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये तय सरकार करेगी कि हम कब वापस चले जाएं, लेकिन हम जाने वाले नहीं, हम वापस जाने वाले नहीं। आपकी बातचीत से साफ तौर से लग रहा था, इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, जी हाँ राकेश टिकैत का साफ तौर से ये कहना था कि अब किसान वापस नहीं जाएगा, किसान अब सीने में गोली खाएगा, पीठ पीछे भागेगा नहीं। इसका सीधा समर्थन, जब तक वो तीनों कानून वापस नहीं होंगे, अब इस बात पर सरकार से किसी भी तरीके की बातचीत कोई भी और मुद्दे पर नहीं होगी, केवल और हाँ और ना पर अब सारा मामला आके अड़ गया। बताइए, हाँ और ना पर लेकिन अड़ गया, लगातार आपको तारीख पे तारीख मिल रही है, क्या कहेंगे आप? ये एक तो सरकार ने असंवैधानिक तरीके से तीनों कानून को मनाया। यदि सरकार में थोड़ी सी भी शर्म होती तो जिस तरह से काले कानूनों को इन्हें काले तरीके से पास कराया और जिस तरह धरती पुत्र दल दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है और देश का किसान आंदोलन के राह पर है, हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पर हैं। सीधा सा सवाल है कि आप तीनों कानून वापस लीजिए, MSP की लिखित गारंटी दीजिए, हम आंदोलन छोड़ देंगे, वरना जिस तरह हम धरती की छाती फाड़कर खेती करते हैं, सरकार के भी छाती पे हम मूंग दलेंगे और आंदोलन वापस तभी होगा जब काले कानून वापस होंगे। काले कानून वापस होंगे, सरकार को पता नहीं क्या जल्दी थी। सितंबर में कोरोना काफी ज्यादा तेजी से फैला हुआ था, उस दौरान अनन फनन में लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया। राज्यसभा में तो बहस की बात नहीं हुई, बात भी नहीं हुई, किसी भी तरीके से किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। ये कहना था, जब मैंने इसके पूर्व बातचीत की थी किसानों से, उस दौरान वहाँ पर राज्यसभा सदस्य राजमणि जी भी मौजूद थे, उनका साफ तौर से कहना था हम लोग को बोलने का मौका नहीं दिया। जिस तरीके से शिव सिंह जी, जिस तरीके से क्या आपको लगता है, जैसे कि आप यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, आपको लगता है किसान की बात सरकार निश्चित रूप से तारीख पर तारीख दे रही है, सुनने के लिए तैयार नहीं है और किसान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तो क्या आपको लगता है कि आप बीच का भी रास्ते की बात करेंगे या आर पार की ही लड़ाई होगी? देखिए, ये जो सरकार है, जिस तरह से इसने बार बार बातचीत करके जो किसानों के साथ षड्यंत्र किया है और किसान इनकी बातों को समझ गया है। आपको मैं बता दूँ, गणतंत्र दिवस की परेड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी को आना था, उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार कर दिया है। इसका सीधा कारण है किसान आंदोलन, और जो ब्रिटेन के अंदर किसान है हिंदुस्तान का, वो भी वहाँ से किसान बिल का विरोध कर रहा है। तो हम तब वापस जाएंगे जब तक मोदी सरकार के इन काले कानूनों को जमी दोज नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग आंदोलन वापस नहीं लेंगे। आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर
किसान बैठे हुए हैं और दिल्ली की तर्ज में जिस तरीके से दिल्ली को घेरा, यहाँ पर बहुत सारे किसान संगठन के लोग हैं। मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, जरा आपसे एक बार यहाँ पर आप लोगों ने जो नया प्रयोग किया खाना भी आप यहाँ पर खा रहे हैं, जरा मैं उसकी तरफ भी एक बार रुक करता हूँ, उसके बाद मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा आपके पास आने की। तो जैसा कि मैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर खाने का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पर धनिया कटी हुई है, इसके अंदर खाली गंजा और इस गंजे में खाना बन रहा है। जी हाँ, खाना बन रहा है और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आप ये बताइए, खाना बना रहे हैं, इसके पहले कभी आपने अपने घर में खाना बनाया था? नहीं, घर वाले बनाते थे, घर वाले। तो यहाँ पर क्यों? यहाँ अब हम लोग बैठे हैं तो घर वाली अब अगले 9 तारीख के बाद आएंगी तो लोग बनाएंगी। अभी 9 तारीख तक के लिए हम ही लोगों को दिया गया है तो हम लोग बना रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये आपको कब तक ऐसे खाना बनाना पड़ेगा? अब जब तक मोदी ठानेगा, जब तक किसान भी ठाना है, देश के प्रधानमंत्री जब तक चाहेंगे हम इसी तरीके से खाना बनाएंगे। हम खाना बनाने के लिए तैयार है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। रीवा में भी किसान संगठन जिस तरीके से यहाँ पर अड़े हुए हैं अपनी बात को लेकर, यहाँ पर अपनी बात को अड़े हुए और संगठन के तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, उनका साफ तौर से कहना है अब बिल वापसी की बात ही पर ही आगे की बातचीत होगी। सरकार कितनी भी तारीख पर तारीख दे दे, हम अब पीछे हटने वाले नहीं। हम यहाँ से तभी जाएंगे जब सरकार पूरी तरीके से तीनों बिलों को वापस ले लेगी।